माहौल देख लें आप, सुबह सुबह का कोहरा छाया हुआ है और काम ज़ोरों शोर से जारी है। सारी बोट्स आ गई हैं, फिश वगैरह लेके, केकड़े लेके, झींगे लेके। कौन सी मछली है? हिलाओ इसको, चलने को हिलाओ। है कौन सी? एक नीचे उतारो यहाँ। धंधी है? उठाओ उठाओ, उठा ले, कुछ नहीं करनी है। सारे केकड़े निकाले जा रहे हैं जाल से। मॉल चेक करें यार, जबरदस्त मॉल हुआ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोगों ने विज़िट किया है इब्राहिम हैदरी की फ़िश मार्केट का, और ये देखें पीछे लॉन्चेस वगैरह सारी हैं यहाँ पे खड़ी हुई, यहीं से फ़िश आती हैं सारी। सामने आप समंदर देख लें, बिल्कुल ताज़ा मछली, जिसको भी चाहिए इब्राहिम हैदरी आइए और बिल्कुल फ्रेश मछली लेके जाइए यहाँ से। तो आप लोगों को विज़िट करवाएंगे पूरी मार्केट का, कौन कौन सी मछलियाँ मौजूद हैं यहाँ पे और किस तरह से ये लोग बोटिंग करते हैं, किस तरह से मछलियाँ लेके आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो ज़रूर देखें और पूरी देखें, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें आइए दिखाते हैं आपको इब्राहिम हैदरी की मार्केट। देख ले भाई, ये माल सारा आ गया है यहाँ पर और बोलियाँ लग रही हैं माल की, और यहाँ पे जिसको जो अच्छी बोली लगती है उस हिसाब से माल दे दिया जाता है। जैसे फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी में होता है बोली लगती है माल की, इसी तरह यहाँ से ही बोली लगती है माल की। सारा माल आ चुका है यहाँ पर। जलेबी पापलेट क्या किलो है? 550 रुपए किलो है। असली पापलेट तो 4000 रुपए किलो है। उठाना है इधर एक पीस का। अरे भाई जान एंटी भी लियो अपना माल। आप देखो यार जलेबी पापलेट, ये लो डबल पापा, देखो देखो सारा पापलेट है, ये बेबड़ी पापलेट जबरदस्त है और खाने में भी लज्जतदार। इसमें काटा वाटा तो नहीं होता? नहीं, एक काटे का है, एक काटे की है, एक काटे की है, एक काटे की है। बेटा कौन सी है? मुश्का मछली। मुश्का क्या किलो है? किलो है 600 रुपये किलो। ये अभी ताज़ा माल है? सुबह ताज़ा माल है, सुबह का है। अच्छा, उसका कांटा होता है? कांटा बिल्कुल बीच की है, एक कंगी होती है बीच की। ये कौन सी पड़ेगी? कंगड़। इसमें होता है कांटा? अच्छा, ये क्या किलो है? 350। ये कौन सी है? ये मुश्किल है, छोटा मुश्किल 350 रुपये किलो। बड़ी वाली है कौन सी है? ये भी मुश्किल ही है। ये रावण से ये गोली है। ये कौन सी है? ये गोली है, ये रावण से। रावण रावण से रावण रावस। ये क्या किलो है? ये दोनों है 1100 रुपये। और ये कौन सी बता रहे? ये गोली गोली। ये क्या किलो है? ये पड़ेगा आपको 1100 रुपये किलो। ये वाली बोरा, ये क्या किलो? ये पड़ेगा आपको 200 रुपये किलो।
200 रुपए किलो। और ये वाला 100 रुपए किलो है, ये कटिंग कटिंग 100 रुपए किलो। इसमें तो काटे वाटे होते होंगे? सारा इसमें काटा होता है भाई, एक बीच का आटी होता है। अच्छा, ये क्या किलो मिलती है भाई? ये सर अभी इस टाइम पे 250 रुपये किलो चल रही है। 250 रुपये किलो सर जी। ये देखें भाई, ये अभी सुबह जो माल आया वो है ये। अच्छा, फिशरी से ले गया है। होता है ना, 300 भी होता है, 400 भी होता है, 200 भी होता है, 300 रुपये भी लगता है। अच्छा, तो बांगड़ा कहते हैं इसको, इसमें वो काटा वाटा तो नहीं होता, काटे होते हैं इसमें। अच्छा, झींगे मछली पैकिंग हुई सारी पैकिंग। यार लड़के, कौन सी मछली है? ये 300 ये 400 ये 400 ये 400 ये 240 रुपए किलो। कौन सी है? दंदिया। ये सिंगाड़ा है, ये रिंगी सिंगाड़ा है। कौन सा सिंगाड़ा? सालन के लिए बहुत अच्छा होता है। कौन सा सिंगाड़ा? रंजीत सिंगाड़ा। रंजीत सिंगाड़ा, रंजी बोलते हैं। क्या किलो है? सबसे अच्छा यही होता है, 200। ये लंबी वाली जो रखी है कौन सी है? ये बाम। बाम 400 रुपये। और ये झींगा कौन सा वाला है? बड़ा वाला है? ये बड़ा झींगा ये रहा, ये उससे छोटा टाइगर है। ये क्या किलो है? ये 1200। और ये टाइगर है? आइए, ये 850 रुपये। ये 850 रुपये सारा में? सारा में। इसमें काटा होता है? एक ही कंगी है। क्या रेट है इसका? 500 रुपये किलो है। 500 रुपये किलो है। कितने किलो का दाना होगा ये? होगा 4 किलो का, 5 किलो का। अच्छा, और ये वाला कौन सी रखी? ये सोल की। सोल सोल। ये क्या किलो है? ये 200 रुपये। 200 रुपये 4 भी है इस वक्त। यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा है और बोट्स आई हुई हैं सारी मछली लेके, बिल्कुल ताज़ा मछली आई हुई है। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे अगर आप आएंगे सुबह सुबह के टाइम तो आपको बिल्कुल ताज़ा मछली मिल जाएगी और रेट भी बहुत मुनासिब बता रहे हैं ये लोग इस वक्त। हो सकता है बाद में थोड़े बढ़ा दें, लेकिन इस वक्त रेट मुनासिब है। केकड़े भाई, केकड़े क्या क्या किलो है? किलो के हिसाब से 100 रुपये किलो के हिसाब से। भैया ये कौन सी वाली मछली है, छोटी जो रखी है? ये है कौन सी? सारा में। सारा में, सारा में। ये सारा में 350 रुपये किलो है। ये सिंगाड़ा है 180 रुपये। ये वाला? ये कौवा 150 रुपये किलो। कौवा 150 रुपये किलो। और ये कौन सी है? ये सोल है, अजाम सोल। हाँ सोल। ये क्या किलो? ये 200 रुपये किलो। और वो जो रखी है वो कौन सी है? ये कुक्कड़ है। कुक्कड़। ये क्या किलो है? 160 रुपये किलो। छोटा बड़े भाई, कौन सी मछली है? ये सोल पीस है भाई। सोल। क्या किलो है ये? 300 रुपये। काटा वाटा होता है? अच्छा। ये वाला? गिस्सर 200 रुपये। ये कौन सी है? धनिया। 150 रुपये। वो कौन सी रखी है? बांगड़ा, इसको कौवा बोलते हैं। कौवा। क्या रेट है? 100 रुपये। 100 रुपये
इसमें भी कांटा होता है? एक कंदी ये भी गोश्त लाल होता है इसका। गोश्त लाल होता है जी। अच्छा कौन सी मछली काट रहे हैं? ये धोतर है। धोतर, धोतर की कटिंग हो रही है भाई, देख ले, साफ करके बना रहे। जबरदस्त। कौन सी है? सारा में। सारा में भाई, सारा में क्या किलो है ये? 350 रुपये किलो सारा में भाई। ये काला कौन है ना? 450 रुपये। कांटा है ना? हाँ। जो कांटा दिखाई दे रहा आपको, इसकी खाल उतरती है। अच्छा। ये कांटे के बाद फिर ये मच्छी अच्छी उन लोगों को खाने में मजा देगी, पहले नहीं देगी। अच्छा, ये है कौन सी, नाम क्या है इसको? हम लोग कवा बोलते हैं। अच्छा। और ये लोग सुनवाई करके चलाते हैं, बंगड़ा सुनवाई। अच्छा, बंगड़ा सुनवाई। और वैसे है कवा ये? कवा। और क्या रेट क्या है इसका? ये तकरीबन 150 रुपये किलो आ रहा है। 150 रुपये किलो है। सही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रफीक साहब, कैसे हैं आप? सर ये हम इब्राहिम हैदरी आए हैं, ज़रा यहाँ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो बताएं, क्या होती है यहाँ पे, माल किस तरह आता है, क्या डिटेल होती है यहाँ की? यहाँ पे 24 घंटे माल उतरता है, 24 घंटे, ठीक है, दिन रात 24 घंटे, दिन में थोड़ी ज़्यादा, रात में कम। अभी तो सर्दियाँ शुरू हैं तो मच्छी की तादाद थोड़ी कम है। कुछ लाचें ऐसी हैं जो 15 दिन 10 दिन के बाद आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो 24 घंटे में आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो रात को गई सुबह आ गई, कुछ ऐसी है जो सुबह फजर पढ़ के नमाज़ पढ़ के जाते हैं, दोपहर को नमाज़ यहाँ पे हमारे बंदर में जो मस्जिद वहाँ पे पढ़ते हैं। कुवैत, दुबई, बहरीन, कतर, लंदन, एक्सपोर्ट भी यहाँ नहीं होती है लेकिन यहाँ से लेके जाते हैं। हाँ, फिशरी में उन लोगों का अपना अपना जगह है, गोदाम बनाया हुआ है, वहाँ पे वो लोग एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मछली लेने के लिए आना चाहे तो मुनासिब वक्त कौन सा है? मुनासिब वक्त मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि सुबह फजर पढ़ के आप आ जाएँ, सही है, 8 से 9-10 बजे तक यहाँ पे थोड़ा जैसे फिशरी में बोली लगती है, यहाँ बोली लगती? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी यहाँ पे भी लगती है। अच्छा। जी हाँ, मतलब यहाँ पे वैरायटी उससे ज़्यादा होती है, कम होती है? वैरायटी आपको वहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी। देख लें भाई, ये मछलियाँ आई हुई हैं यहाँ पे और कटिंग हो रही है मछलियों की, ये देख लें, सारी कटिंग हो रही है मछलियों की। ये ऑर्डर का माल बन रहा है भाई? अच्छा, कौन सी मछली है भाई? ये मुश्का, सारी मुश्का है ये? क्या क्या रेट क्या है इसके यहाँ पर? 350-400 रुपये किलो। अच्छा, ये सारी मुश्का मछली है भाई, ये ऑर्डर के लिए तैयार हो रही है, 350-400 रुपये किलो है मछली, देख लें, बिल्कुल फ्रेश माल है, एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से, लोग लेके जाते हैं एक्सपोर्ट के लिए, और यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं, शिकार भी होता है, अगर आप शिकार के लिए आना चाहें तो वहाँ पे भी उसके लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे दिखाना यार ऑक्टोपस भाई, देख लो ऑक्टोपस, ये देखें ऑक्टोपस, ज़बरदस्त भाई। क्या रेट क्या होते हैं इसके ऑक्टोपस के? अभी क्यों कोरोना की वजह से माल रेट गिरा हुआ है, नहीं तो ये 450-500 चीज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब चाइना वाला आइटम? सब चाइना वाला आइटम। और क्या चीज़ है? ये स्क्विड है ना, ये शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। ये मतलब 400 से लेके 500 तक 450 रुपये 450 दुकान वाले खेच के ले रहे हैं ना, रोड़ी वाले के शिकार के लिए। अच्छा, शिकार में तो कहते हैं बहुत कम करता है ये। ये क्या चीज़ है? कटर ऐसे कभी जाली में आ गया। ये खाने के इस्तेमाल में होते हैं? चाइना वाले, चाइना वाले खाते हैं। ये क्या रेट है इसका? इसका अभी तो फिलहाल 500 ले रहे हैं, तो ये पहले चल रहा था 700-800 रुपये। ये नॉर्मल मार्केट में तो नहीं मिलता यहाँ कराची में कहीं पे? बड़ी फिशरी जो अपना अपना डाकाने वाली वहाँ मिलता है, वहाँ पर मतलब मेन मार्केट है अपना। अच्छा,
नाश्ते का भी इंतज़ाम मौजूद है भाई, मछली लेने आए हैं, भूख लग रही है तो आराम से आप यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। हलीम भी मौजूद है यहाँ पर, बिरयानी मौजूद है, चाय भी मौजूद है। तो व्यूज़ आप लोगों ने देखी, इब्राहिम हैदरी की मार्केट कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। फिश आपको दिखाई, इंटरव्यू लिया जो साहब यहाँ पे होते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, जहाँ पे बोली लग विजिट करवाया, तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट्स कक्ष पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चलता रहे कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे।